A began a business with ₹85,000. He was joined afterwards by B with ₹42,500. For how much period does B join if the profits at the end of the year are divided in the ratio of 3:1? ठीक है, इसको कैसे करोगे? 85,000 फिर गिवेन है 42,500, फिर आप एक्स लोगे क्योंकि बी ने कितने महीने के लिए ज्वाइन किया है और क्या इन्वेस्ट किया है ये आपको नहीं पता है, फिर आप एक्स लेके करोगे। ठीक है, सिंपली आपको कैसे करना है, जैसे मैंने इसके ऊपर एक और क्वेश्चन करके दिखा दिया है। ठीक है, ए और बी है। ठीक है, देखो 85,000 है, ये 42,500 है, 00 00 काट दो। ठीक है, ये तो 12 मंथ्स के लिए होगा क्योंकि 1 ईयर गिवन है ना, हाँ एट द एंड ऑफ द ईयर गिवन है, लेकिन ये बी कितने महीने तक इन्वेस्ट किया है ये नहीं पता है, इसको मान लो एक्स। ठीक है, अब कह रहा है 3:1 रेशियो है, 3:1। इसके ऊपर मैं पहले क्वेश्चन जैसे मैंने किया है उसी कॉन्सेप्ट से आपको करना है। अब इस 3 का वैल्यू इतना गिवन है आपको, ठीक है, 3 का वैल्यू गिवन है 12 × 8 = 50। हमें चाहिए इस 1 का वैल्यू, 1 का वैल्यू कितना होगा, 12 × 8 = 50 / 3, दैट इज 4 × 8 = 50। ठीक है, कितना आया, 4 × 8 = 50। अब आप कहोगे कि मैम इससे ऑप्शन कैसे करोगे कि कितना मंथ्स होगा, क्या 4 मंथ्स होगा, 4 निकल कर आया? नहीं, आपको क्या करना है, इस टोटल का वैल्यू निकल कर आया 4 × 8 = 50। देखो यहाँ पे 425 है ना, ये 850 का हाफ है कि नहीं, ये इसका हाफ है कि नहीं, हाफ है ना, तो अब ये अगर हाफ है तो यहाँ पे ये जो है ये वैल्यू गिवन है 4, तो इसको डबल कर दो ना, दैट इज × 2 करोगे तो कितना होगा, 8 मंथ्स, विच इज एन ऑप्शन डी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा।